तो एवरीवन, आज हम नाजीज मैन द राइज ऑफ हिटलर से हिटलर के रूल के बारे में जानेंगे। तो स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रिएट किया गया कंट्रोल करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द एसे और द स्टॉर्म ट्रूपर जो थे, इनको इंक्लूड किया गया फौज में। इन लोगों के पास गेस्टैपो यानी सीक्रेट पुलिस, एसएस यानी जो प्रोटेक्शन करते थे, जो अपराध रोकते थे, एंड सिक्योरिटी सर्विस एसडी जैसी पुलिस तैनात कर दी। दीज वर गिवन अनकंट्रोल्ड पावर, इनके पास अथाह पावर थी, कुछ भी कर सकते थे। पीपल कुड नाउ बी डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड, अब लोगों को पकड़ा जाता, मारा जाता और टॉर्चर चैम्बर्स में डाल दिया जाता। हिटलर ने पुल्ड आउट किया, हिटलर ने अपने आप को हटा लिया लीग ऑफ नेशन से 1933 में, और फिर इन्होंने राइनलैंड को कब्जा लिया, इंटरग्रेटेड ऑस्ट्रेलिया को अपनी जर्मनी में शामिल किया। एक स्लोगन लगाया ने, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, कि सभी लोग एक हैं, सभी एम्पायर भी एक है और लीडर भी एक ही होना चाहिए। ही देन गोबल्ड अप द शिकोज वालिका, इन्होंने फिर शिकोज वालिका को भी पकड़ लिया अपने अंडर में। इन सितंबर इन्होंने पोलैंड को भी अपने अंडर कर लिया। फिर फ्रांस और इंग्लैंड से इनकी लड़ाई शुरू हुई, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट कर दिया गया। इन सितंबर 1940 इन्होंने जर्मनी ने इटली जापान सबकी मदद से सोवियत यूनियन पर क्या करा, अटैक किया, और ये बहुत ही खतरनाक था। जब जापान जो था सपोर्ट में आया हिटलर के, और क्या हुआ, इन्होंने यूएसए में पर्ल हार्बर में आतंकवादी शुरू कर दिए और बॉम्ब गिराने शुरू किए। अब ये सबसे बड़ी बेवकूफी कही गई हिटलर की, और जो वॉर थी वो खत्म होती है जब मई 1945 में हिटलर को हरा दिया जाता है और यूएस जापान में हिरोशिमा बॉम्ब गिरा देती है। तो इसके बाद नाजी जो थे, ये एक एक्सक्लूसिव रेकियल कम्युनिटी में बदल जाते हैं, प्योर नॉर्डिक आर्यन जर्मन इनको नाम दे दिया जाता है। तो अंडर द यूथेनेशिया प्रोग्राम लैक ऑफ जर्मन जो थे, इनको मार दिया जाता है। तो ज्यूज जो थे, इनको सबसे सफर करने वाले नाजी जर्मनी में लोग थे, इनको सबसे अलग रखा जाता था क्योंकि ये गेटोस थे, और इनको कहा जाता था कि इन्होंने ही क्राइस्ट को मारा है। तो इस तरह से ये सब होता है। तो ये आप देख सकते हैं, मैप है, जैसे जैसे जहां जहां जिन हिस्सों को कब्जा करा था जर्मन ने, ये ग्रीन वाले सारे हिस्से जर्मन के अंडर चले गए थे। तो ये गैस चैम्बर्स देख सकते हैं। क्वेश्चन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो थी फॉर्म की गई थी हिटलर के द्वारा इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल इन जर्मनी? द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी और नाजी पार्टी ग्रो इनटू अ मास मूवमेंट एंड रूल जर्मनी थ्रू टोटलिटेरियन मींस फ्रॉम 1933 टू 1945। हु अकॉर्डिंग टू नाजीज वर द अनडिजायरेबल्स? द अनडिजायरेबल्स रेसेस वर द ज्यूज, गिसाइप्स, ब्लैक्स, रशियन, पोल्स एंड हैंडीकैप जर्मन्स। विच कंट्रीज वर इन्वेडेड बाय हिटलर? कौन कौन सी कंट्रीज को हिटलर ने अपने अंडर ले लिया? तो जर्मन इन्वेडेड एंड इन्वेडेड पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, यूगोशिया एंड ग्रीस, इन सबको अपने अंडर कर लिया। हाउ वर द ज्यूज ट्रीटेड? ज्यूज को कैसे रखा जाने लगा? ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफरर्स इन द नाजी जर्मनी। दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड दे वर सफर सो मैनी इन गैस चैम्बर्स। अब फिफ्थ क्वेश्चन, क्या आपने अपने आसपास डिस्क्रिमिनेशन देखा है? तो यस, इन माई एरिया देयर इज डिस्क्रिमिनेशन इन गर्ल्स एंड बॉयज। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं हमने इसे कैसे प्रिवेंट किया। तो अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।